बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी मौजूद है सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क में। और आपको बता दें कि सिवान जिला निर्माता ईंट संघ जो है वो लगातार इधर 6-7 महीनों से उनकी कई मांग है जिसको लेकर के लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क है और यहाँ पर सिवान ईंट निर्माता संघ के जो पदाधिकारी हैं और इनके पूरे जिले भर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर के ये लोग अपना ज्ञापन सिवान के जिलाधिकारी को जा करके सौंपे भी हैं। सिवान में ये लोग प्रदर्शन मार्च भी निकाले थे। लगातार कई सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर कि ये लोग सड़क पर भी उतरे थे और आज धरना भी दिए हुए हैं। हम अनिल जी से बात करते हैं कि अनिल जी, आज जो आप लोग सड़क पर भी उतरे थे, हालांकि ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी आप लोग धरना पर बैठ चुके हैं, कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की जो आज प्रदर्शन भी हुआ उसके बाद आप लोग ज्ञापन भी सौंपे? हम लोग सरकार से हरदम अपनी मांग जो मांग रहे हैं वही मांग मेरा आज भी है। सरकार मांग सुन नहीं रही है। मांग ये है कि GST 1% से 6% कर दिया गया है, लाल ईंट को सरकारी कार्यों में बंद कर दिया गया है, कोयला में तिगुना दाम में वृद्धि कर दी गई है, पोल्यूशन द्वारा बहुत तरह की लड़ाई लड़ने के बाद भी हम लोगों को पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, हमारे कुछ बंधु पर पेनाल्टी लगा हुआ है खनन टैक्स का, उसको पेनाल्टी से माफ़ करने के लिए भी हम लोग मूलधन जमा करने के लिए तैयार हैं। नाना तरह की समस्या हम चिमनी मालिकों पर, पेनाल्टी लगती है उसमें आपको इंटरेस्ट भी, ब्याज को भी जोड़ दिया? जी जी, बहुत ब्याज तो दुगुना तिगुना भी हो गया है, उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि मूलधन पर ही दे दिया जाए, हम लोग जमा कर देंगे एक मुश्त। दूसरी चीज कि केंद्र सरकार की नीति आज के दिन में बहुत खराब है, जो चिमनी मालिकों को कहीं से उठने नहीं देगी। केंद्र सरकार ने ही इधर रेट बढ़ाया है कोयले का, GST बढ़ाया है, उसके बाद हम लोगों को कोई फाइनेंशियल मदद नहीं कर रही है। किसी बैंक में हम लोग जा रहे हैं कि आज हम लोग का व्यवसाय मृत प्राय पड़ा हुआ है, पूंजी ज़्यादा लग रहा है, तो बैंक से सपोर्ट मिले, बैंक मैनेजर सीधे कहते हैं कि चिमनी पे एक किसी प्रकार की लोन नहीं है। आज हम लोग चिमनी पे तो PMEGP के तहत या और भी कई तरह का फंड है जो कि लोन होता है। जी नहीं नहीं, कहीं चिमनी के नाम पर कहीं नहीं दिया जा रहा है और हम लोग 300 आदमी का रोजगार देते हैं, एक भट्टा मालिक, और अपने 100 परिवार को भी चलाते हैं उसी भट्टा से, लेकिन कोई लोन नहीं मिलता है। अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो आने वाले कल में हम लोग, मतलब कि केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार, बिहार सरकार में भी है, इसमें बिहार सरकार की नीति है कि लाल ईंट बंद कर दी है, उत्तर प्रदेश में आज भी मिल रहा है लोन, जी हमारे यहाँ नहीं मिल रही, तो बिहार सरकार की नीति है। कोयला और GST और पोल्यूशन केंद्र सरकार की है, बाकी सब बिहार सरकार की है। अगर बिहार सरकार हम लोग की मांग नहीं मान पूरा करती है तो आने वाले कल में ईंट की बिक्री बंद करेंगे, प्रोडक्शन बंद करेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं मान ली जाए। इसको लेकर के पटना में भी आप लोगों के नेता होंगे, आपकी टीम होगी, वहाँ पर कुछ
जो सरकार के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे कुछ बातचीत नहीं हुई सीएम से या फिर डिप्टी सीएम से, क्योंकि अब तो सरकार भी बदल चुकी है बिहार की? नया सरकार बनने के बाद ये पहला आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन है, और इस धरना प्रदर्शन को ऑल इंडिया से जोड़ा गया है। ऑल इंडिया देश स्तर पर जी पूरा ऑल इंडिया स्तर पर है, और हर एक स्टेट का अलग अलग है, लेकिन सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं जी। अब आगे का क्या कुछ आप लोगों का प्लान है? मान लीजिए कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है, आप लोग अपना मेमोरेंडम भी सौंप दिए हैं जिलाधिकारी को शायद, तो अब इसके बाद क्या कुछ प्रोग्राम होगा अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती? 5-6 दिन इंतजार करेंगे। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो 12-13 तारीख से और 18 तारीख तक हो सकता है कि हम लोग बिक्री बंद कर दें। प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के जहाँ अलाउ करेंगे बिक्री बंद कर, ईंट बंद कर जी, ईंट की बिक्री बंद कर देंगे। और ईंट बिक्री बंद करने के बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग ईंट व्यवसाय चलाना इस साल बंद कर दे, जो अनिश्चितकालीन है। बताइए कि ईंट की अगर बिक्री आप लोग बंद कर देंगे तो फिर आपके यहाँ जो मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं, झारखंड से या फिर कई अलग राज्यों से आते हैं, तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे? यही तो समस्या है हम लोगों का, यही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ईंट की बिक्री बंद करेंगे, अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे, तो बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे जाएगा जो है। और इसी को दिखाना चाहते हैं कि अगर हम 6 दिन सिर्फ बंद करते हैं तो आप बेरोजगारी कहाँ जाता है, अगर पूरी तरह अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे तो फिर बेरोजगारी का क्या हाल होगा? यही चीज़ तो हम लोग दिखाना चाहते हैं जो है, जो आप सवाल करना चाह रहे हैं जो है। आपको क्या लग रहा है? दमा, फेफड़ा, कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर एके सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग, तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है, और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग-अलग अखामती इंतज़ाम के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। पाथीभरा आरजीटी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर एस डी प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक, समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथीभरा आरजीटी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। कुछ होगा इसमें, सरकार कुछ आपकी मांगे पूरी करेगी या फिर ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरकार मानेगी जो है, क्योंकि इसमें देखिए ये मुद्दा जो है ये सिर्फ व्यवसायिक मुद्दा नहीं है, एक आम मजदूरों का मुद्दा है, क्योंकि मजदूर इससे जुड़े हुए हैं। हर भट्टा पे प्रत्याशित अप्रत्याशित
1000 लोग काम करते हैं, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ईंट के साथ जो है, उसके साथ मजदूरों की जो है सीमेंट बालू छड़ की व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उसके साथ मार्बल वगैरह की जो है व्यवसाय तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों पे तो ये असर पड़ेगा ना, सिर्फ सिंगल असर नहीं पड़ेगा जो है कि सिर्फ चिमनी के जो है, तो बिहार के पूरे हिंदुस्तान लेवल पर एक चरम सीमा पर बेरोजगारी उत्पन्न होगा, ये मान के चलिए। प्रदर्शन करने का जो तरीका था वो कुछ अलग था, ढोल बाजे के साथ प्रदर्शन था, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि कोयला का रेट इतना ना बढ़ गया है पिछले साल से, इस साल मतलब 250% बढ़ गया है, कोयला हम लोग का सरकारी रेट में मिल नहीं रहा है, और ईंट जो है महंगा होते जा रहा है, कस्टमर समझ रहा है कि नहीं इतना महंगा कैसे हो रहा है, सरकार हमारी की बातें नहीं मान रही है, लाल ईंट लगा नहीं रही है, बोले कि नहीं सरकारी काम में नहीं लेगा लाल ईंट, तो इसलिए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हम लोग की बातें मान ले। देखिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस बैनर पे दिखाएं कि जो डिमांड है यहाँ पे क्या कुछ इनकी डिमांड है, तो थोड़ा सा चाहेंगे कि आप इधर आ जाइए, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं यहाँ पे जो इन लोगों की जो डिमांड है, जो मांग है वो GST बढ़ोतरी वापस लिया जाए केंद्र सरकार और उसके बाद से राज्य सरकार, कोयला के अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि एवं अंकुश लगाया जाए, सब्सिडी आधारित कोयला का कोटा बढ़ाया जाए, ईंट का सरकारी दर में बढ़ोतरी किया जाए और सरकारी कार्यों में लाल ईंट का प्रतिबंध समाप्त किया जाए, जल प्लावित मोइन या तालाब नहर एवं नदियों के गाद की निकासी हेतु ईंट निर्माताओं को मिट्टी उपलब्ध कराया जाए, तमाम तरह की डिमांड है। लगातार आप लोगों का प्रदर्शन चलता भी है, हम लोग खबरें भी दिखाते हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है सरकार बिहार की चेंज हो गई, आप लोगों को भी कुछ उम्मीद है कि हमारी बात को केंद्र तक पहुँचाई जाएगी, हालांकि केंद्र में किसी दूसरे BJP की सरकार है, तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो जिले भर के लोग आज आप लोग यहाँ पे धरना दिए हैं, हालांकि ये बिहार स्तर पे नहीं पूरे देश स्तर पे हो रहा है, तो क्या ये आवाज़ केंद्र सरकार तक जाएगी, पहुँचेगी और आपकी जो डिमांड है वो पूरी होगी? हम लोग उम्मीद करते हैं नई सरकार से, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नई सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जो हमारी समस्याएँ हैं उसको नई सरकार सुने। आगे हम लोग इससे रिलेटेड माइनिंग विभाग के जो मिनिस्टर हैं और पोल्यूशन के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन समस्याओं को रखने के लिए। समस्याएं छोटी नहीं हैं, एक ट्रॉली ईंट पे अगर 1500 रुपये के GST गवर्नमेंट ले रही है तो किसी भी जनता से चार्ज करने के बाद वो ईंट खरीदना। पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान, तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, याद रखें डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़रिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान, मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं, वाईफाई कंप्यूटर क्लासेस स्पोकन क्लासेस छात्रवृत्ति जिम लाइब्रेरी कैंटीन बैग ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले, पलक बुद्धा ITI पावर मोड तरवारा रोड सिवान, प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी, कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888 9931432822, वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD NICU जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED फोटोथेरेपी मॉनिटर इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन साई अस्पताल के सटे पकड़ी मोड़ सिवान। मुश्किल होगा उसके लिए, मुश्किल हो भी गया है, बहुत ज्यादा ईंट महंगा भी हो गया है। महंगा होने का कारण है भैया कि 20,000 रुपये प्रति टन कोयले का रेट है आज के डेट में, जो कोयला हम लोग आज से एक साल पहले 8,000-9,000 रुपये प्रति टन खरीदते थे, आज के डेट में 20,000 रुपये प्रति टन है। आज के जबकि ईंट भट्टा इस समय नहीं चलता है, बरसात का मौसम है, जब ये चलेगा तो इसको और ऊपर ही जाना है, जिसको पिक आवर कहा जाता है। दूसरी चीज है कि ईंट रेट आज के रेट में भी सरकारी 62 रुपये प्रति हजार है, 6200 रुपये प्रति हजार, जो कहीं से भी GST और कोयले का लागत मूल्य से आधी है। अगर इसको देख लीजिएगा तो ये लमसम 10,000 रुपये प्रति हजार के करीब में हम लोगों की लागत मूल्य आ जाएगी।
सरकार बिल्कुल उदासीन है इस रेट को बढ़ाने के लिए। सरकार में अपनी जो स्थिति है, लाल ईंट को बंद कर दी है, सरकारी कार्यों में लाल ईंट नहीं लगेगी, जो कि हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ही खराब वालू है। हम अपने प्रोडक्शन को कहाँ बेचने जाएंगे? बिहार में प्रोडक्शन करते हैं, बिहार सरकार ही नहीं खरीदेगी तो हम यूपी बेचेंगे या कहाँ ले जाके बेचें? यूपी में चल रहा है लाली, यूपी में चल रहा है, फिर एक देश में ये दो नियम ये समझ से परे है। बिहार को छोड़ के सभी जगह कहीं भी लाल ईंट बैन नहीं है, सिर्फ बिहार में लाल ईंट बैन है। ये पीछे 3 साल से ये लफड़ा है, उसके पहले नहीं बैन था। इसमें सुधार किया जाए। कोयला जो सब्सिडी रेट से हम लोगों को मिलता है, उसकी कोटा बढ़ाई जाए, ताकि प्रत्येक चिमनी वालों को 600-700 टन कोयला मिल जाए। कोयले के रेट के मूल्य में सरकार उस पर पहल करे, इसको कंट्रोल करे, ये हमारी मांगे हैं। GST 1% था, हम लोगों का 6% हो गया, जो कि बहुत ही भारी पड़ रहा है, व्यवसाय चलाना मुश्किल। मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? बात कर लीजिए, बताइए। मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या करेंगे आप? हमारे जो बिहार के जो अध्यक्ष हैं, उनके निर्णय का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो निर्णय देंगे होगा, करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बोलता है कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, और हमारे बिहार में खाली 6,200 चिमनी हैं, करीब करीब 20 लाख लोग इससे रोजगार पाते हैं, और इसके पीछे वो लोग इस तरीके के मतलब लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 10 लाख जो ऐलान करते हैं लोग जॉब देंगे या रोजगार देंगे, अब 20 लाख ले जाने की तैयारी पे वो लोग है कि 20,000 रोजगार हमारा अब ख़त्म हो जाएगा। इस पे वो लोग सरकार भी भुखमरी के घर पे आ जाएंगे। हाँ, तो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर आप पहल करें, और पहल कर करके ये बिजनेस को बचाएं और लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। पूरे ज़िले में लगभग कितने चिमनी मालिक होंगे? लगभग 250। 250 एक चिमनी जो है, वहाँ पे कितने लगभग सभी लोगों को अगर मिला लिया जाए, लेबर से लेकर के और भी मुंशी से लेकर के तमाम लोग, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं? लगभग 250 आदमी एक चिमनी पे काम, चिमनी पे लगभग 250 मजदूर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा हो गई। हम लोगों के पास ट्रैक्टर का ड्राइवर, 5-7 ट्रैक्टर ड्राइवर, कम से कम 100 पथेरा हैं, उसके बाद लेबर 50 हैं, मुंशी हैं 4, लगभग मिला जुला के 250-250 आदमी तो काम करते हैं एक चिमनी पे। और अपने सिवान जिला में 250 लोगों का परिवार चलता है, 250 आदमी का भरण पोषण हम लोग के माध्यम से होता है, जिस पर सरकार का जो दोहरी रवैया है हम लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार, उसी के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि जो ईंट निर्माता संघ के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई है, और जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब ईंट खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं, मकान बनाना होता है, तो आज का जो ईंट का रेट है आसमान छू रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब इनकी खरीदारी कोयले की या फिर और GST ये सब ज़्यादा लगेगी तो आखिर ये तो घर से देंगे नहीं। सवाल यह है कि एक ईंट चिमनी पे तकरीबन 200-250 लेबर क्लास के लोग काम करते हैं, और अगर चिमनी अगर बंद कर देते हैं ये लोग या फिर हड़ताल कर देते हैं, ईंट अगर नहीं बेचते हैं, तो अब आप जान सकते हैं कि सिर्फ है, सिवान जिले की अगर बात कर ले तो लगभग 250 चिमनी है, और एक चिमनी पे 200-250 अगर लोग हैं जो काम करते हैं और उनसे उनका पूरा परिवार चलता है, तो फिर उस हालत में क्या कुछ उनके परिवार वालों की स्थिति होगी, यह आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार को इनकी आवाज़ को सुननी चाहिए। लगातार कई महीनों से इनका प्रदर्शन चलता है, और बिहार सरकार को भी चाहिए, खास करके जो इधर बदलाव हुए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, उनसे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये लोग केंद्र सरकार से बात करेंगे और उसके बाद से इन लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ सरकार निर्णय ले पाती है और क्या इनकी मांगे पूरी हो पाती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।